وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين. वला वसलाम अला खातमिलम्बिया इब्लमरसर वाला आ रही वी वन तबसान अलाद्दीन अम्माबाग अल्लाह ताली का फगल करम है कि मनहज के इस दर्स में हम शर्क हैं अल्लाह तीआ करते हैं कि अल्लाह सुबहान त हम सब को उस रास्ते पर चलाए उस तरीक़े पर चलाए जिस पर अल्लाह के नबी वसल्लम ने साहब इकराम को छोड़ा था सहाबा इकराम ने उस रास्ते को पाकर जन्नत की बशारत अल्लाह ताला से हासिल की थी आज की इस दरस में हमारे सवाल हमारे साथ ये सवाल है कि दीन में बहुत सारे ऐसे गलत नज़रियात रखने वाले होते हैं जिनसे लोगों को डराना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है लोगों को हम आगाह करें बतलाएं कि ये लोग ऐसे हैं इनका मनहज ऐसे है इनकी बातें सुनने से बचो इनके राह रास पर न चलो ये एक तरीक़ा है और ये ज़रूरी भी है ताकि आम लोग धोखे में ना आ जाएं, लिबास ख़द्दोख़ाल गुफ्तगु शीरी गुफ्तगू, मीठी मीठी गुफ्तु देख के लोग धोखा न खा जाएं। तो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को उनसे आगाह करें लोगों को बताएं कि किस कस्म के लोग हैं इनकी बातें सही मनहज सही रास्ते सही अक़ीदे से हटी हुई हैं तो इस सिलसिले में एक सवाल हमारे पास है जब हम किसी आदमी के ताल्लुक से लोगों को डराएं, बताएं कि देखिए फला आदमी का मनहज फला आदमी का तरीक़ा फला आदमी की फ़िक्र सही नहीं है तो क्या उसके अंदर दो चार ख़ूबियाँ हों तो वो भी हम बताएं, कि इसके अंदर ये प्लस है और ये माइनस है इसके अंदर ये बहुत सारी खराबियां हैं ये दो चार अच्छाइयां हैं ये ज़रूरी है क्या ऐसा होता है ऐसा हमारे पास भी होता है बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जो इस बात की जुरात नहीं रख सकते कि किसी की गलत बयानी को लोगों के सामने बताएं, सारी बात बताने के बाद कहेंगे अरे वो बड़े अच्छे आदमी बाक़ी मामूल में वो बड़े अच्छे आदमी जब आप कहें कि बड़े अच्छे आदमी हैं तो सारा मामला खुद ब खुद ख़त्म हो गया आपने दूसरों लोगों को दावत दी कि वो उनकी इतबा करें वो उनको फॉलो करें आप ख़ुद उसको तस्दीक कर रहे हैं आप रिकगनाइज़ कर रहे हैं कि वो अच्छे आदमी तो ये सवाल शेख फौजान हफीज़ुल्ला से किया गया तो उसका क्या जवाब शेख ने जवाब दिया तो शेख कहते हैं उनकी खूबियाँ ज़िक्र करने का मतलब ये हुआ कि आप उनकी पैरवी करने की दावत दे रहे हैं आप एक गलत आदमी को उसकी सारी खामियां, गलतियां, मिस्टेक बताकर बाद में क्या बोलेंगे शेख साहब बड़े अच्छे आदमी तो मतलब क्या हुआ पहले जो कुछ आपने बोला सब क्या था गलत था आप उनको लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप उनकी फ़ॉलो करें तो शेख पौज़ान हफिज़ुल्ला यही कहते हैं कि उनकी खूबियाँ ज़िक्र न करें हज़ार ख़ूबियाँ जिस आदमी के आकदे में गड़बड़ हो जिस आदमी का मनहज सही नहीं हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वो कायन हो तो लोगों के साथ वो क्या अच्छा हो सकता है जो शरीयत में ख़यानत करता हो लोगों के मालों में लोगों के सलूक में लोगों के मामलात में वो कैसे अमीन हो सकता है इसीलिए कहा कि ऐसे आदमी की कुछ ये भी हो तो अच्छाया भी हों तो ज़िक्र नहीं करना चाहिए तो इसीलिए शराह में इन्होंने लिखा कि बिदाती की खूबियाँ ज़िक्र करने में लोगों को धोखा देना है किसी बिदाती लोग बोलते हैं अरे आप लोगों के पास मिजाज में सख्ती होती है हम सूफिया के पास जाते हैं विद्यार्थियों के पास जाते हैं वो बड़े बड़ेमा के साथ बड़े तवज्जो के साथ बड़े और इज्जत के साथ हाथ मिलाते हैं हाथ चूमते हैं दिल खुल जाता है भला ऐसी बात की जरूरत नहीं है आप बैठे आप बैठो एक बैलो मुसाफा करो सीखे खरी खरी बात करो ठीक है लेकिन अकीदे में तो आप हंड्रेड सही है। तो हैं तो इसीलिए कहते हैं कि बिदाती की खूबियाँ ज़िक्र में लोगों को धोखा देना है गर्चे के आप उसकी बुराइयाँ भी ज़िक्र करें क्योंकि उसके हक़ में आपकी तारीफ तनाखानी होते हुए लोग उसकी बुराइयाँ नहीं देखेंगे आप किसी बिदती की तारीफ़ कर रहे हैं तो लोग आपकी तारीफ़ को देखेंगे बुराइयों को नहीं देखेंगे और नक़द में जरह नकद जो होती है उसमें बिदाती की मदह तना करना सलफ़ साल का मनहज और तरीक़ा नहीं था सलफ़ साल कभी बिदाती की मदह तनाई नहीं करते थे तारीफ नहीं करते थे बिदाती से बिदात से आदमी को नफ़रत होना चाहिए आगे बताते हैं इमाम अहमद ये बहुत अच्छी बात है मैं चाहता हूँ कि आप इसको ग़ौर से सुने दूसरों तक पहुँचाएँ इमाम अहमद रही उन उन्होंने अपना हाल हुसैन कराबीसी ये बहुत बड़े आलिम हैं हुसैन कराबीसी का हाल बयान करते हुए उसकी तारीफ़ नहीं की हालांकि वो अपने इलम में पुख्ते हैं हुसैन कराबीसी उनकी तारीफ़ नहीं की बल्कि इमाम अहमद रही ने कहा कि वो बिदाती है क्या बोले वो बिदाती है लेकिन हुसैन कराबीसी के इल्म की, की तारीफ़ इमाम अहमद र्ला ने नहीं की बल्कि इतना कहा कि वो बिदाती हैं और इतना ही नहीं और और इतना ही नहीं बल्कि उससे और उसकी हमनशीनी यानी उनके साथ बैठने से बैठने से इख्तियार करने से डराया बोला कि बिदाती के साथ क्या नहीं करो बैठो नहीं बिदाती के साथ भी क्या नहीं करो बैठो नहीं इमाम अहमद रही ने क्या क्या उससे डराया कि बिदाती के साथ ना बैठा जाए तो इसीलिए कहते हैं जब अबू जरा राजी रही से हारिस मुहासबी और उसकी किताबों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल करने वाले से कहा ख़बरदार उन किताबों से दूर रहना समझ में आई बात आप किसी बिदाती के ताल्लुक से आप उसकी बिदात को लोगों के सामने बता रहे हैं तो उस बिदाती के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसका ज़िक्र नहीं करेंगे सिर्फ उसके अंदर जो खामियां हैं बिदातें हैं उसी को लोगों को सामने बताएंगे ताकि लोग बचें अबू ज़रा अर्राज़ी र्ल उन्होंने हारफ़ मुहासबी उनकी किताबों के बारे में लोगों ने पूछा तो पूछने वाले से कहा कि ख़बरदार उन किताबों से दूर रहना क्योंकि ये बिदात और दलालत की किताबें हैं तो हम में से आज के ज़माने में कितने ऐसे हैं किसका भी वीडियो आओ किसका भी शॉट आओ देखते मज़ा लेते हैं इन्हों अच्छा बोलते हाँ मुंह चबाते चबाते बोलते इनकी बातें अच्छी लगती हैं ऐसे नहीं हैं हर एक की बातें आप नहीं सुन सकते हैं हर एक की बातें भले आपको कितना ले लगे कितना आपका दिल कितने आपका दिल उसमें दिल आमी दिल दिल को मुतािर करने वाली बातें हों पहले आप ये जांच लें कि जिससे मैं सुन रहा हूँ वह अहलसन्ना में से है अहलुलविदा में से देखिए कि इसी तरह जब वीडियोस नहीं देख सकते हैं किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तकरीरें नहीं सुन सकते हैं इसलिए कि बिदात अपने बिदात से आपको मुतासर कर देगा आप उसके साथ बैठेंगे आप उसकी किताबें सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप आपसे मुतासर कर देगा और आखिर में वो कहते हैं कि तुम हदीस को लाजिम पकड़ो हदीस को लाजिम पकड़ो भले हदीस सुनाने वाले के अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन बिदात कितना ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपके सामने पेश हो लेकिन बिदात बिदात है बिदाती बिदाती है उससे बचने की कोशिश करो तो आखिर में वो बताते हैं कि आपको जान लेना चाहिए कि ये दोनों लोग जिनका ज़िक्र यहाँ किया गया है इमाम अहमद र्ला के साथ हुसैन कराबिसी का ज़िक्र है और अबू ज़रा अर्राज़ी के साथ महासभी का जिक्र है ये दोनों का इलम कैसे था इनको इल्म का समंदर कहते थे क्या कहते थे ये दोनों कौन थे इल्म का समंदर थे इमाम अहमद ने जिनके साथ ज़िक्र किया हुसैन कराबिसी का कहा कि बिदाती हैं और अब ज़रा अर्राज़ी जिन्होंने इनके बारे में कहा कराबीसी के बारे में आ, कहा कि ये दोनों कौन हैं ये दोनों इल्म के समंदर थे उन्होंने अहले बिदात पर रद्द भी किया उनका, हालांकि वो ख़ुद अहले बिदात पर रद्द करते थे लेकिन कराबीसी कुरान को लफ्ज़ कहने के मसले में बहक गए पहले जो आलिम थे वो क़ुरान को लफ्ज कहने के लफ्ज़ उस सिलसिले में बहुत सारे उलमा आजमाए गए के खल क़ुरान के मसले में तो इनका अलग थाट था जो इमाम अहमद रहमतुल्ला के थाट से बिल्कुल अलग था तो वो बहक गए और इसी तरह दूसरे मसले में इल्मे कलाम में मुहासबी वो क्या हो गए बहक गए इसीलिए तलब इल्म जो दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं इनको अकीदा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए अकीदा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि आप और हम किस अकैदे किस मनहज पर चल रहे हैं कहीं अशायरा की झलक तो नहीं कहीं का सा अकीदा हमारा नहीं है कहीं मतजिला की बातें हम तो नहीं कर रहे हैं कहीं ख़वारिज की हम में नहीं बन रही है ये सारी बातें से होशियार होना चाहिए और वल वजमा का जो अकीदा है और जो वल वजमा के हैं उनके साथ आदमी को होना चाहिए अभी आजकल फितनों का ज़माना है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं हाँ कोई किसी के साथ है कोई किसी के साथ है और जमा को लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं और कोई हुक्काम अरब के जो हुक्काम हैं रूलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कह रहा है कि अगर ये रूलर्स एक हफ़्ते के लिए ग़ायब हो जाएंगे तो हम मकदिस में नमाज़ पढ़ेंगे सही क्या ऐसा हो सकता है हाँ तो ये एक, एक, एक फ़िक्र है जिन्होंने दिया है और इसीलिए ने कहा कि इकबारमसलम अगर नहीं बनती ये जमात तो लोग मुसलमान भाई भाई बनकर रहते अखबारमसलम का माना है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें पैदा की कि सारी चीज़ें बिखर कर रह गईं अगर ये लोग ना होते तो शायद मुसलमानों में एक जहती होती मुसलमान आपस में भाई भाई होते बरकैफ़ ये कराबिसी क़ुरान ये महासभी कुछ आ, इल्म कलाम की इसमें बह गए और उसके बाद आ, एक और चीज़ ये बताते हैं कि या इन्होंने क्योंकि उनकी हालत का तजकिया करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनमें पाई जाने वाली ग़लती बयान करना है किसी भी आदमी के ताल्लुक़ से अगर वो आदमी गलत है तो आप उसका तजकिया नहीं करेंगे वो अच्छे आदमी उनमें ज़र्रा ये मिस्टेक है सो ऐसा बोलेंगे यार ऐसा नहीं बोलेंगे ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा जो आदमी उनके पीछे चल रहा है वो बोले अच्छा ज़र्रचना उनमें है सो खराबी उन कुछ फॉलो कर लग जाएंगे ऐसा हो जाएगा ऐसी बात नहीं बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनमें जो गलती है उसे लोगों को बताना है ये देखिए ये इमाम अबिन तैमिया की किताबें इस बात की सबसे बड़ी दलील हैं कि बिदाती की बिदातियाँ ज़िक्र करते वक्त उनकी खूबियों का ज़िक्र नहीं किया जाएगा इमाम अबिन तैमिया रहमल बिदातीियों की जब बातें नकल करते हैं तो उनके अंदर जो प्लस यानी मुसबत चीज़ें होती हैं ख़ूबियाँ होती हैं उसे कभी क्या नहीं करते थे ज़िक्र नहीं करते थे क्योंकि उनकी किताबें रुदूद और तनकीदात से भरी हुई हैं इमाम तैमिया रहमल्ला की सारी किताबों में रद है रद के माने जवाब किसी ने कोई कहा उसके जवाब में नक़द नकद के माने किसी ने कोई गलत बात कही तो उस पर इमाम तैमिया रहमल्ला क्या कहेंगे आप क्या कर रहे हैं गलत कह रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है चुनाचे उन्होंने मनतियों मनतियों और अहल कलाम की तरदीद फरमाई मनतकी माने वो जो बात से लोगों को हराते हैं किसी मसले में लॉजिक लॉजिक से हराएंगे आ। और अहले कलाम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें बोलते ना हमारे समझ में आता नहीं ऐसा छंगा हाँ हाँ ऐसा छंगा तो ये एक पार्टी है खाली बातों से क्या करेंगे लोगों को हराने की कोशिश करेंगे इसी तरह जहमिया हैं मतजजिला हैं ये सारे फ़िरक़े पहले गुजर चुके हैं और उसी के ख्यालात अभी भी लोग मिलते जुलते हैं कोई आज़ाब क़ब्र का इनकार करता है कोई दीदार इलाही का इनकार करता है मरने के बाद अल्लाह को देखना नहीं है और लोग हैं और कोई कहता है कि नहीं नहीं शरीयत पर नहीं चले तो भी क्या भी नहीं अल्लाह जहन्नम में नहीं डालता कि ते लोग आ जाते मरते हैं हमें।, हमें भी जिए को हमें क्या करेंगे मर जाएंगे शरीयत को अपना क्या भी ज़रूरी नहीं है जहमिया मतज़िला अशा अशा अशायरा ये ऐसे लोग हैं जिसमें अक्सर जो जमातें हैं इन्हीं की इस पर चलती हैं को इन श्ला तफसर आएगी आपके सामने हम बताएँगे अशायरा का जो अक़ीदा कहाँ कहाँ इनकेदे से मिलता जुलता है तो कहते हैं ये जो सलफ़ थे कभी भी इनकी तारीफ़ नहीं करते थे बल्कि उनके अंदर जो ख़राबी है उसे बयान करते थे फ़े बिन अशरस रहमहुल्लाह फरमाते हैं फासिक बिदाती की सज़ा ये है कि उसकी खूबियाँ ज़िक्र न की जाए जो बिदाती होगा फासिक होगा उसके अंदर हज़ार अच्छाइयाँ हो सकती हैं लेकिन वो अच्छाइयाँ क्या नहीं करेंगे हम जिक्र नहीं करेंगे क्यों जिक्र नहीं करेंगे ताकि वो उससे तोबा करें अपनी बिदात से क्या करें वो तोबा करें और दूसरे लोग उससे आगाह हो जाएं और तोबा भी कैसा करना <coughs> जैसे लोगों के सामने बहरंग आम तौर से जैसे बोला है वैसे सारे लोगों के सामने तोबा करना लोगों के सामने ओपन बोल के बाद में मैसेज में, में बोलेंगे मैं गलती हुई माफ़ करो ऐसा नहीं होगा आपने जैसे ओपनली बोला है वैसे इसको भी क्या करना पड़ेगा ओपनली बोलना पड़ेगा जो गलती उनके यहाँ यहाँ पाई जा रही है मुमकिन है अगर कुफ्र और शिरक हो तो उनकी सारी नेकियों को अकारत कर दे मुमकिन है बिदाती के पास कोई और शिर्क है तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी अगर ऐसा न भी हो तो बसाओकात उनकी नेकियों पर गालिब हो जाए और मुमकिन है वह आपकी नज़र में तो नेकियां हों लेकिन अल्लाह की नज़र में नेकियां ना हों जितने बिदाती हैं बिदात करते हैं क्या वो गुनाह समझ कर करते हैं हा? नहीं वो बोले आप गुनाह कर रहे हैं हम नेकी कर रहे हैं आप गुनहगार हैं आपको मोहब्बत नहीं है हमको मोहब्बत है हम मोहब्बत के दावेदार हैं तुम तुम्हारे पास इस तरह का कोई तस्वर इसी सारी बहुत सारी बातें बोलते हैं तो मेरे कैफ एक सवाल हमारे साथ था ब्रेक बार में सवाल आपके समझ में शायद ना आया हो आप लोगों ने थोड़ा देर कर दिया तो हमने आपके सामने फिर एक बार सवाल दोहरा देते हैं सवाल हमारे पास है कि किसी बिदाती को लेकर हम लोगों के सामने डराएं कि साहब ये बिदाती है ये इसका इसकी फ़िक्र अच्छी नहीं है इसका मनहज अच्छा नहीं है इसे फॉलो मत करो जब हम कहेंगे अगर उसके अंदर दो चार अच्छाइयाँ हों हर आदमी ऐसे होता है किसी के अंदर अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ दोनों मिक्स होते हैं तो वैसे आदमी जिसके ताल्लुक़ से आप लोगों को डरा रहे हैं तो क्या अच्छाइयों का भी ज़िक्र करेंगे ये सवाल था शेख फौज़ान हफिज़ुल्ल से उसका सीधा सीधा जवाब उन्होंने ये दिया कि उनकी अच्छाइयों को ज़िक्र करने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कह रहे हैं कि इनको फॉलो कर सकते हैं आपके मन में है कि आप लोगों को उनसे डराएं कि लोग उनको फॉलो ना करें लेकिन आपने कह दिया कि उनके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं तो आप लोगों से ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनको फ़ॉलो करने में क्या भी हर्ज नहीं है उनके अंदर अच्छाइयाँ भी तो शेख ने आखिर में जवाब दिया उनकी खूबियां ज़िक्र न करें तो बहुत सारे लोग हैं एक उसूल पेश करते हैं खुद मा सफ़ा दामा कदर यानी कहते हैं कि जो अच्छा है ले लो जो ख़राब है उसे छोड़ दो ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता दूसरे मामले में हो सकता हो लेकिन अकीदे और मनहज के मामले में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आदमी को तोबा करना चाहिए तो ये सवाल हमारे पास था सवाल नंबर दस सवाल नंबर ग्यारह ग्यारह हमारे पास है इंशाल्लाह कल के दरस में हम इसे पढ़ेंगे आ, ये सवाल बहुत अहम है इसलिए कि कुछ जमातें हमारे पास हैं जो लोगों में दावत तबलीग का काम करती हैं दावा नहीं तबलीग का ज़्यादा काम करती हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम आहल वल वालजमा के मनहज पर चलना हैं चलना चाहते हैं लेकिन बाज़ लोगों से बसावत कुछ ग़लती हो जाती है हा? तो तुम क्यों उन गलतियों को लेकर सारी जमात पर आप लोग ये करके लोगों को हमसे डराते हैं देखो ये जमात में जाओ मत ये जमात वाले ऐसा करते हैं हाँ तो ये सवाल शेख फौजान से किया गया तो शेख ने इसका क्या जवाब दिया एक लंबा सा जवाब है इसमें बहुत सारी बातें हैं तवज्जो की ज़रूरत है इल्म तवज्जो चाहता है इसलिए कि आप पूरी बात तवज्जो के साथ ध्यान से सुने ऐसा ना हो कि पूरे सवाल के जवाब में आपने इतनी बात सुन ली अब उसे लेकर आप उड़ते रहे बोलते हाँ ऐसा है वैसा नहीं आप पूरी तवज्जो के साथ उसे सुने तभी जाकर आपको समझ में आएगा इन शह कल के दरस में इसको बड़ी तफसील के साथ लेते हैं कोशिश करें जरा टाइम पे अगर आप आ जाएंगे तो सारी बात समझ में आएगी इसलिए कि ये बहुत नाजुक और बहुत अहमियत वाली बातें हैं अल्लाह ताली से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली हम सबको हक पर क़ायमदायम रखे اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، وصل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.